तो जो मद्रास वाली प्रेसिडेंसी थी, वहाँ जब गवर्नर साहब जा रहे थे, उनका जुलूस निकल रहा था गवर्नर साहब का, तो गवर्नर साहब तो बग्गी में बैठे हुए जाते थे, बग्गी चलती थी पहले वो घोड़ों की, और छाता लेके जो चपरासी चल रहा था उनके पीछे, वो ब्राह्मण था एक, उसके तिलक लगा हुआ था, तो लोग आकर के उसके पैर छू रहे थे। गवर्नर को ये आश्चर्य हुआ कि मेरे पैर छूने के लिए लोग नहीं आए, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर। उन्होंने कहा जी यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा हिंदुस्तान में होता है, ब्राह्मण वेद का जानने वाला है, ज्ञाता है, तो इसलिए ब्राह्मण यहाँ पूज्य माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणों के सब चरण छूते हैं। तो उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी इंग्लैंड को, वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया पॉलिटिकली बट यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन यू शैल हैव टू कॉन्कर इंडिया कल्चरली। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा गुरुजी, कई सारे सुनने वालों का ये प्रश्न है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, आर्यों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, तो इसके पीछे तथ्य क्या हैं और इसके पीछे क्या कोई और भी मोटिव रहे हैं? तो बहुत सारे मित्रों ने इस संबंध में आपका विचार और आपकी समझ जाननी चाहिए। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, जो संसार के उतार चढ़ाव हैं उनका मुकाबला करते हुए काफ़ी हमें टाइम लग गया, लेकिन बाद में हमने यही सोचा दाई हयात आए कजा ले चली चले, जिस दिन उसका हुक्म हुआ हयात का कि तुम दुनिया में जाओ, तो हम दुनिया में आ गए, और अब कजा का तकाजा हुआ कि चलो वापस जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तो चल दिए हम, फिर उस तकाजे को टाल नहीं सके। तो लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। हम अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हमें तो भेजा गया कि फला खानदान में तुमने जा कर के खुशियाँ मनवानी है, तुम जा कर के वहाँ बच्चे के रूप में जाओ, नगाड़े बजेंगे, नाच होगा, गाना होगा, जाओ। तो हमारी इच्छा भी नहीं थी दुनिया में आने की, हम तो वहीं स्वर्ग में आराम से बैठे रहते, लेकिन जब हुक्म हुआ लाई हयात ऑर्डर हो जाओ दुनिया, जिंदगी जिंदगी हमें लेकर के आई खींच करके, और अब कजा ने तकाजा किया कि चलो बस इतने दिन के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, तो हम चल दिए। ना हम अपनी मर्जी से आए थे ना हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इसलिए जो आदमी हमारे साथ रहे उनके लिए तो एक ही काम करना पड़ता है। कुरान शरीफ में जो लिखा है एक लफ्ज़ में लिख दिया, हमारे यहाँ तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा, वहाँ लिख दिया इन्ना लाबरीन, जो मेरी मर्जी के मुताबिक चल के सब्र करता है, संतोष कर लेता है। मनुष्य सोचता है कि यही मेरी नियति है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ये मेरे हाथ में नहीं है इसका क्योर करना, इसलिए अल्लाह कहता है कि जो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा हूँ मैं, जो उसके मुताबिक सब्र कर लेंगे तो इन्ना अल्लाह, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनका दुख मैं दूर करूँगा, दुनिया दूर नहीं कर सकती। तो उस दुख में हम डूबे हुए थे और बहुत दिनों के बाद उस दुख में डूबे रहे, लेकिन हमने गीता के बारे में भी यही कहा था गता शून्य अगता शून्य ना अनुशोचंती पंडिता, अनु का लग लगा दिया कि शोचंती तो है, दुख तो होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक अनु बार बार दुखी नहीं हुआ करते, क्योंकि जिसने जाना है वो अवश्य जाएगा, गता शून्य, जिसकी नेचर में है जाने का, कि इसकी नेचर है, 6 बजे सूरज की नेचर में है
कि अक्टूबर के महीने में 6 बजे तुम अस्त हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। आज तक दुनिया की इस शक्ति ने इस नियम को नहीं बदला, तो गता शून्य है जो लोग, और आत्मा तो मरता ही नहीं, अगता शून्य है वो तो एक छोरा छोड़ के दूसरे में चला जाता है। जो अगता शून्य है उसके लिए क्या मैं दुख होना, वो तो गया ही नहीं, अगता है, अगता है ना, अब गया है ना आगे भी कहीं जाएगा, ऐसा कैसे रहेगा। तो उस अगता के लिए क्या सोचना, और जिसके लिए तय था कि जाएगा, सूरज डूबेगा ज़रूर 6 बजे, तो उस पर रोने से क्या फ़ायदा। तो जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अनुशोचन्ति, बार बार नहीं रोया करते। तो इसलिए हमने अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सब्र करना सीखा, यही हमारी नियति है इंसान की। अब उस सब्र के बाद जब तसल्ली हो गई, तब हम कुछ काम में लगे दुनिया के। ये दुनिया की संस्कृति ऐसे ही चल रही है, ये चमन यूं ही रहेगा, और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। अब ये प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि ये इतिहास का प्रश्न है, इसका फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक षड्यंत्र पाश्चात्य इतिहासकारों ने किया कि भारत की कोई प्राचीन संस्कृति थी, यहाँ कोई प्राचीन लोग रहने वाले थे, और उनका नाम था द्रविड़ जाति। तो आर्यों ने पश्चिम की तरफ से आकर के उस द्रविड़ जाति को लूटा, उसकी संस्कृति समाप्त की, उनको जंगलों में खदेड़ दिया, वो संस्कृति नष्ट हो गई। ये एक योजनाबद्ध प्रयास किया गया था आर्य जाति, मैक्स मुलर ने आर्य को एक जाति बना दिया था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य कोई जाति कहीं वेद में नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, जो यूएनएस्को में रखी हुई है, यूएनओ में। यूएनओ ने सारी दुनिया को खोज करके कहा कि इससे पुरानी कोई किताब दुनिया में है ही नहीं। और अगर कोई इतिहासकार अपने आप को बहुत बड़ा भारी इतिहासकार समझता है, अहंकारी है, तो इससे पुरानी कोई किताब ला करके दिखाए। वैदिक संस्कृति से पहले कोई संस्कृति दुनिया में थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले इतिहासकार ये लिखते रहे कि हिंदुस्तान में तो सभ्यता थी नहीं, मेसोपोटामिया और सीरिया वहीं सभ्यता थी दुनिया में। एक आदमी आए, बड़े भारी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं थे, थे तो वो सड़क बनवाने वाले। उन्होंने रेलवे लाइन जब बनवानी शुरू की, तो वहाँ खोदते खोदते रेलवे लाइन के लिए जगह खोद रहे थे, तो वहाँ एक टीला निकला। उस टीले को, मोंड को उन्होंने देखा कि बड़ा टीला है, उसको तोड़ा। और जब उस टीले को तोड़ा, तो उसके नीचे से शहर निकल आए, मोहन का टीला और हड़प्पा, ये दो निकल आए। 1921 या 22 में रेलवे लाइन बिछाई थी, तो 1922 में दुनिया में सभ्यता बन गई। जो इतिहासकार मना करते थे कि दुनिया में कोई सभ्यता ही नहीं है, मेसोपोटामिया की सभ्यता ही है, उनकी बुद्धि हिल गई। और बुद्धि हिल के उन्होंने कहना शुरू किया कि यहाँ एक सभ्यता थी, उसका नाम था सिंधु सभ्यता, सिंधु के निकट वो निकल गया। लेकिन किसी इतिहासकार को ये पता नहीं था कि दुनिया में और भी टीले हैं, उनके नीचे बहुत पुरानी सभ्यताएं दबी हुई हैं। बस उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि ये भी असीरिया की सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की का ही एनलार्जमेंट था, वही सभ्यता यहाँ भारत में आकर के छा गई थी, और ये उनसे मिलती जुलती है। अब आज तक जो सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट है, जो उनकी भाषा लिखी हुई है, अभी तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन शोर मच रहा है कि पुरानी कोई सभ्यता थी।
वहाँ कुछ मूर्तियाँ निकली हैं, योग की स्थिति में शिव निकले हैं, कुछ देवियों की मूर्तियाँ भी निकली हैं। तो जो भारतीय इतिहासकार थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोई संस्कृति वेद से अलग नहीं थी, उसी संस्कृति के विभिन्न रूप हैं। वेद में कोई एक संस्कृति का, एक जगह का पूजा का ये नहीं कहा गया, वहाँ तो क्या कहा गया कि अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से पूजा करो। तो ये लोग जो थे ये अच्छे शहर बना के रहना चाहते थे, और पंजाब के लोग जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, इतना ही अंतर था, कोई सभ्यता का अंतर नहीं था। और आज भी हिंदुस्तानी लोग तो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी, जिसने इस जाति को बनाया था, आर्य जाति का, आर्यों ने हमला किया हिंदुस्तान पर, वो ही अपने सिर पीट पीट करके पछताता रहा कि मैंने आर्य जाति मैंने क्रिएट की है, आर्य जाति थी नहीं कोई। मैक्स मुलर ने ये एक षड्यंत्र था ये बताने का कि जैसे तुमने उनकी संस्कृति ख़त्म की, अगर हम तुम्हारी संस्कृति ख़त्म कर रहे हैं तो क्या बुराई है, हम भी वही काम कर रहे हैं जो तुमने पहले किया। तो अब बहुत अच्छे अच्छे इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं, मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन वॉइस ऑफ इंडिया ने छापी है, कोई सबूत इसका नहीं मिलता कि आर्यों ने इन्वेड किया है इंडिया को, या बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई ड्राइवर के साथ। द्रविड़ क्षेत्र का नाम है, द्रविड़ कोई जाति थी नहीं, द्रविड़ दक्षिण में एक क्षेत्र है उसका नाम है द्रविड़ क्षेत्र, और द्रविड़ भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप तमिल भाषा बन गया। तो वो तमिल भाषा जो है वो हमारे वेद के साथ साथ ही, वैदिक संस्कृति के साथ साथ ही चलने वाली थी। तो इन्होंने शोर मचाया, सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता है भाई, अब तक तुम मेसोपोटामिया को कह रहे थे, अब सिंधु सभ्यता निकल गई। और जहाँ तुम कह रहे थे कि मध्य एशिया से आर्य आए, दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन इस पृथ्वी पर ऐसी नहीं बन सकती जो बिना जल, जहाँ पर जल का अभाव हो वहाँ कोई संस्कृति बनती नहीं, जहाँ जलाशय हों बड़े बड़े वहीं हाँ ह्यूमन हैबिटेशन बनते हैं, नहीं तो ह्यूमन हैबिटेशन बनते ही नहीं। तो लोगों ने चुनौती दी कि मध्य एशिया में तो है ही नहीं कोई नदियाँ इतनी बड़ी बड़ी जहाँ इतनी बड़ी सिविलाइजेशन खड़ी हो सके कि आर्यों की सिविलाइजेशन मध्य एशिया से आई। तो वो बहुत बड़ी अच्छी किताब है, मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन उसका नाम है। ये एक मिथ क्रिएट की, काल्पनिक, कपोल कल्पित जिसे कहते हैं, कि आर्यों ने यहाँ आकर के, आर्यों की लैंड जो थी वो पंजाब से लेकर के और ईरान तक आर्यों की लैंड थी सारा, ये आर्यन आर्य बाहर से आए नहीं, यहीं बसे हुए थे सारे, बाहर गए यहाँ से अपनी संस्कृति को लेकर, संस्कृत भाषा को लेकर के। आज दुनिया की हर भाषा में संस्कृत भाषा के शब्द हैं। दुनिया की जो सबसे पुरानी किताब मानी जाती है पाश्चात्य देशों में, वो है पुराना ओल्ड टेस्टामेंट, जो हेब्रू में लिखी गई थी, बाद में उसका ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन हुआ और अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है। उस हेब्रू लैंग्वेज में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द घुस गए हैं। तो ये एरियंस जो थे, जो इस इलाके के रहने वाले थे और ये पश्चिम की ओर गए और इन्होंने जाकर संस्कृत भाषा दी वहाँ की, 380 के करीब तो शब्द ऐसे हैं जो मैक्स मुलर ने ही निकाले कंपैरेटिव फाइलोलॉजी में, कहीं उनका असली रूप है कहीं उनका बिगड़ा रूप है, वो सारी संस्कृति यहाँ से गई। संस्कृत ने तुम्हारे इसमें कोई हमारा मिट, अगर तुम्हारी संस्कृति पुरानी होती और आर्यों की यहाँ संस्कृति आई होती तो वहाँ के शब्द हमारे पास आते। अब क्या हुआ कि इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सबसे पुराना कह करके शोर मचाना शुरू कर दिया,
कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तबाह किया आर्यों ने आकर के। लेकिन अब जो खुदाइयाँ शुरू हुई, लोथर में खुदाई हुई, गुजरात में खुदाई हुई, कालीबंगा में खुदाई हुई, और अब जो लेटेस्ट है उसने तो आदमियों को हिला के, इतिहासकारों को हिला के रख दिया है, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की संस्कृति 7,000 साल पुरानी है, सिंधु सभ्यता 3,000-4,000 साल पुरानी है, और राखीगढ़ी संस्कृति जो है उस संस्कृति के अलग अलग चिन्ह मिले हैं। बागपत तक उसके चिन्ह मिले हैं, बागपत में भी एक दो जगह खुदाई में वही चीज़ मिली है जो राखीगढ़ी की है। तो आर्यों ने वहाँ तक कहाँ इन्वेजन किया, तुम्हारा इतिहास ही, तुमने इतिहास ही वहाँ तक का लिखा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि आगे कहीं और भी कहीं कुछ दबा हुआ, और अब भी तुम्हें पता नहीं कि और भी चीज़ें कहीं दबी हुई हैं, इससे भी पुरानी कोई चीज़ मिल सकती है। तो तुमने केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देख के शोर मचा दिया कि आर्य आर्य आए उन्होंने, और वहाँ कोई चिन्ह ऐसा नहीं मिलता जो माँ से इसके लड़ाई हुई है। इसी तरह दूसरी किताबें उन्होंने लिखी है, द इन्वेजन दैट वाज नॉट। तो ये इन्वेजन की थ्योरी आज बिल्कुल ध्वस्त करके रख दी है कि बिल्कुल ही मिथ है, ये तो झूठी कथा है। आर्यों का यही देश है, आर्य पंजाब के क्षेत्र से सप्त सिंधु, और ईरान का नाम ही आर्ययान है, आर्यों का जाने का रास्ता। इस रास्ते से आर्य पश्चिम के लोगों को गए, प्रभावित किए। तो इसलिए अब ये थ्योरी बिल्कुल डिमोलिश करके रख दिए कि आर्य कहीं बाहर से आए। अच्छा गुरु जी, एक आप साथ ही साथ ये बताएं कि जो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसने हमारे भारतीय चरित्र को फिर किस तरह से प्रभावित किया? आर्यन इन्वेजन थ्योरी ने जो इन्होंने बनाई थी हमारे सामने रखी कि तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हो, बाहर से आए हो, हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर दिया, हमारी कोई संस्कृति थी नहीं, ये बाहर से वहाँ से आए मध्य एशिया से, इन्होंने आकर के संस्कृति दी यहाँ पर। जबकि अब ये ख़ास तौर से लोथल ने, कालीबंगा ने और राखीगढ़ी ने सिद्ध कर दिया कि सबसे पुरानी संस्कृति ये है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो बहुत इससे 2000 साल बाद में दिखाई दे रहे हैं सारे, तो 2000 साल पहले यहाँ पर हमारी संस्कृति थी, अब हमारे अंदर एक गौरव आ गया है जबकि पहले इन्फीरियोरिटी आ गई थी, बहुत इन्फीरियोरिटी पैदा की हमारे अंदर, तुम लुटेरे हो, तुम ध्वस्त करने वाले हो, तुम आतंकवादी हो, तुम्हारी कोई संस्कृति, तुम संस्कृति तुम्हारे यहाँ थी नहीं, तुम तो अनकल्चर्ड लोग थे। और आज यहाँ लोथल और किनारे जो निकली हैं काली वजह से लगता है कि संस्कृति का केंद्र तो यहाँ था, इतनी साइट निकली हैं 40-45 साइट ऐसी निकली हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत पुरानी हैं। तो ये सारी संस्कृति सरस्वती के किनारे पर डेवलप हुई है। अब इसको सिंधु, चूँकि सिंधु में पहले खुदाई कर रहे थे तुम, पहले एक चीज़ मिल गई, तो तुम्हें पता नहीं था कि आगे और भी खुदाई हो सकती है इससे पुराने, बस वहीं सिंध वहीं पर रह गए, इससे आगे गई नहीं। आज उसको नई खुदाई होने, जहाँ जहाँ खुदाई, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान वाले कि और भी टीले ऐसे मिल सकते हैं पुराने, उनकी संभावनाओं को मत करो जो इससे भी पुराने हों संस्कृति। तो उन्होंने कहा अब इस संस्कृति का नाम सिंधु संस्कृति मत रखो, अब इस संस्कृति का नाम रखो सरस्वती संस्कृति। ये सरस्वती संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 2000 साल पुरानी है, और यहाँ से सरस्वती से आर्य लोग जो थे आर्ययान की तरफ जब गए, आर्ययान में भी आर्य यही थे, तो ये पश्चिम की तरफ को यहाँ से सारी संस्कृति पश्चिम में गई है। पश्चिम के लोगों का जो इतिहास मिलता है
वो ये कहा जाता है कि आदमी सिविलाइज थिंकिंग जो है वो यूनान ने की, नथिंग मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ द सीड्स ऑफ विच आर नॉट रूटेड इन द सॉयल्स ऑफ ग्रेस। इस दुनिया में कोई चीज़ सोच संभव ही नहीं है, सोची जाने ऐसी चीज़ संभव ही नहीं है दुनिया के अंदर जिसके बीज ग्रीक संस्कृति में हों। और ग्रीक संस्कृति कब है? सिकंदर ने जो हिंदुस्तान पर हमला किया वो 360 बीसी में किया। उससे पहले हमारे यहाँ 600 बीसी में बुद्ध पैदा हो गए थे, और बुद्ध से पहले उपनिषद और वेद की संस्कृति थी। तो यूनान की संस्कृति से कम 2,500-3,000 पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े राजा, अशोक और अशोक से भी पहले राजा, और जिसको ये प्री हिस्ट्री कह रहे हैं यानी कृष्ण और राम वगैरह का, जो राजा कुरु ने जो एक कुरुक्षेत्र का ये लैंड सारा डेवलप किया, इसको ये कह रहे हैं प्री हिस्ट्री है। ये तो प्री हिस्ट्री मतलब जिसका हिस्टोरिकल कोई बयान नहीं है, लेकिन हम कहते हैं थे तो सही। बुद्ध का बाप जो था बुद्ध जमीन में से नहीं निकले, ना आसमान से निकले। बुद्ध का बाप जो है तुम्हारे सुकरात से पुराना है, और उसका भी कोई बाप होगा, कोई वो आकाश में से थोड़ी गिरा है, उसको तुमने कह दिया प्री हिस्टोरी। तो आज हिस्टोरियंस को कहा जा रहा है कि तुमने हमारे ऊपर जो एक ऐसी चीज ला दी जिसने हमें, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति हमारी है, और हम से संस्कृति को लेकर जब गए तो तुम्हारे यूनान वालों ने देखा कि हमसे भी 2000 साल पहले इंडिया में सभ्य लोग थे, इंडिया में बड़े बड़े आदमी थे। चाणक्य का मुकाबला करने के लिए, जब उसका सिकंदर का मुकाबला करने के लिए जब चंद्रगुप्त मौर्य गए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से 1,000-1,500 साल पहले यहाँ संस्कृति मौजूद थी। मौर्य एम्पायर तो बाद में आई, उससे पहले और दूसरी एम्पायर भी थी सारी की सारी। नंद एम्पायर को तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया मौर्यों ने। तो सिकंदर के टक्कर जिससे हुई है, उससे पहले हमारी उस समय ईरान सब यूनान उस समय उससे 3 पीढ़ी पहले सभ्य बना था। सिकंदर का गुरु अलेक्जेंडर नहीं एरिस्टोटल का गुरु प्लेटो, और प्लेटो का गुरु सुकरात। सुकरात से पहले कोई संस्कृति सिविलाइजेशन वहाँ नहीं मिलती। तो इसलिए हमारे अंदर अब जो है जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने के लिए इन्होंने आर्यन थ्योरी बनाई थी कि आर्य लोग ऐसे थे, तो आज वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारा धीरे धीरे जो अभी तक गुलामी की जहनीत से प्रभावित हैं वो तो अभी भी डर जाते हैं, नहीं नहीं जी हम तो बाहर से आए हुए आर्य थे। और जिनकी जहनीत ये है कि नई चीज़ें जो मिल रही हैं इनको मानो स्वीकार करो। जिस समय गैलीलियो ने दिखाया कि ज़मीन गोल है तो दुनिया ने इसको स्वीकार किया। अब जब ये दिखाया जा रहा है कि राखी गढ़ी की संस्था डोथल की संस्कृता, ये सारी सारे जो कालीबंगा की संस्कृति, ये मोहन जोदड़ो हड़प्पा से 2000 साल पुरानी है तो इसको स्वीकार करो। तो इसलिए एरियन इन्वेजन थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड एज ए मिथ, कपोल कल्पना से निकाल करके दिए हैं वो मिथ प्रूव हो रही है। और ये 2 किताबें जो हैं इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, द मिथ ऑफ आर्यन बायस ऑफ इंडिया ने छापी है किताबें दोनों, द मिथ ऑफ आर्यन एजन इन्वेजन, और दूसरी वे इन्वेजन दैट नेवर वाज। इन्वेजन कहीं हुआ ही नहीं इंडिया पे जी, बाहर के लोगों ने इन्वेड किया ही नहीं। पर गुरु जी इतना ज़रूर रहा कि इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी की वजह से हमारा जो आज़ादी का आंदोलन था उसको भी बड़ा धचका लगा उस वक्त। हाँ, और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सच्चा माना, और आज तक उन लोगों ने अपने मत में कोई बदलाव नहीं किया है, वो वहीं के वहीं स्थिर हैं।
हमारे मत में बहुत चेंज हुआ है। डॉक्टर पांडे ने बहुत अच्छी किताब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की लिखी है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, ये सारी थ्योरियाँ नई ली हैं। पाश्चात्य लोग अभी तक मानने को तैयार नहीं हैं। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज आए तो इन तीन जगह इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कायम की है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी और कलकत्ता की। छोटे छोटे प्रांत इनके बने, वो प्रेसिडेंसी इनकी बन गई तीन जगह। पूरे हिंदुस्तान पर इनका राज नहीं था। तो जो मद्रास वाली प्रेसिडेंसी थी, वहाँ जब गवर्नर साहब जा रहे थे, उनका जुलूस निकल रहा था गवर्नर साहब का, तो गवर्नर साहब तो बग्घी में बैठे हुए जाते थे, बग्घी चलती थी पहले वो घोड़ों की, और छाता लेकर जो चपरासी चल रहा था उनके पीछे, वो ब्राह्मण था एक, उसके तिलक लगा हुआ था, तो लोग आकर के उसके पैर छू रहे थे। गवर्नर को ये आश्चर्य हुआ कि मेरे पैर छूने के लिए लोग नहीं आए। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने कहा जी यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा हिंदुस्तान में होता है, ब्राह्मण वेद का जानने वाला है, ज्ञाता है, तो इसलिए ब्राह्मण यहाँ पूज्य माना जाता है, इसलिए ब्राह्मणों के सब चरण छूते हैं। तो उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी इंग्लैंड को, वी हैव कॉन्कर्ड इंडिया पॉलिटिकली बट यू वांट, इफ यू वांट टू स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन यू शैल हैव टू कॉन्कर इंडिया कल्चरली। इनको जो कल्चर का अपना स्वाभिमान है कि पंडित के तो पैर छू रहे हैं, गवर्नर के नहीं छू रहे, तो जब तक इनको कल्चरल भी विजय हम नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह सकते हमारे। तुरंत इंग्लैंड में जैसी चिट्ठी पहुंची, उन्होंने मैकॉले को अपॉइंट किया एजुकेशन मिनिस्टर, जा करके इनकी बुद्धि बदल दो हिंदुस्तान वालों की, इनके मन में ये बैठा दो कि तुम्हारी कल्चर बड़ी इन्फीरियर थी। तो मैकॉले ने एकदम अपॉइंट कर लिया मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने 1.5 साल संस्कृत पढ़ी है कुल, 1.5 साल में तो बच्चा विचारक भी पास नहीं करता, शास्त्री तो क्या पास करेगा। तो वर्केबल नॉलेज 1.5 साल में आदमी प्राप्त करता है, और 1.5 साल संस्कृत सीख करके उसने वेदों का इंटरप्रेशन करना शुरू कर दिया। यहाँ तो एक एमए करने के बाद संस्कृत के फिर भी वेद का इंटरप्रेशन में गड़बड़ हो जाती है, और उसको आपने बना दिया कि ये मैक्स मुलर वेदों का। मैक्स मुलर ने जब वेदों का इंटरप्रेशन कर लिया और वेदों की बिल्कुल विकृति कर दी, इसके जो श्लोक हैं उनका कोई मीनिंग नहीं करता, जिसके दिल में जैसा है वैसा मीनिंग निकाल लो उसमें से। तो ये लोग खेती करते थे, और जब बारिश होती थी तो जैसे मोर नाचता है ऐसे ये भी गडरिए भी नाचने लगते थे, और गडरिए जो थे गाने लगते थे, उनके गीत जो थे तो वो मीनिंगलेस गीत होते, हा 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 हो 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 ऐसे गीत होते। तो वेद जो है गडरियों के गीत हैं, उसमें कोई गहरी बात नहीं है। तो उसने अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी, वो हमारे पास मौजूद है। उसने अपने वाइफ को लिखा कि मैंने जो कुछ डिस्टॉर्शन करना था कर दिया, अब भारत के लोग अपनी संस्कृति से खुद घृणा करने लगेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, इसको भरने के लिए अगर क्रिश्चियन मिशनरी जल्दी नहीं आते और इस वैक्यूम नहीं भरते तो गलती उनकी होगी, पछताएंगे वो बाद में कि हम तो हिंदुस्तान को सारे को क्रिश्चियन बना लेते, तो इसलिए वैक्यूम मैंने क्रिएट कर दिया है। तो उस वैक्यूम को हमारे लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहा था। मैकॉले ने पहला ही काम ये किया कि वाइट कॉलर जॉब उनको दिए जाएंगे जिन्होंने मैट्रिक तक अंग्रेजी पढ़ी हो। तो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, फारसी दां संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे, वो सब चपरासी बन गए, और वाइट कॉलर जो किसको मर गया, जिसने 10वीं पास किया। वाइट कॉलर माने दफ्तर में ब्यूरोक्रेसी,
तो इस तरह से हमारी संस्कृति के खिलाफ हमें जो षड्यंत्र थे, ये षड्यंत्र अभी तक पुरानी किताबों में यही चल रहा है सारा का सारा। हालांकि स्वामी दयानंद ने मैक्स मलर को इतना पराजित किया शास्त्रार्थ में और उसको कहा कि तुम वेद को बिगाड़ रहे हो, लेकिन वेद इतनी ज्योति है कि एक दिन तुम्हें वेद को स्वीकार करना पड़ेगा। यू शैल हैव टू कम टू वेदा। आज UN ने वेद को ही रखा हुआ है वहाँ। लेकिन उस समय उनने ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो ये अगली पीढ़ी जो है वो गौरव लेकर खड़ी होगी। पिछली पीढ़ी अभी पुराने इतिहास से गवर्न हो रही है, लेकिन आर्यन इन्वेजन की थ्योरी अब बिल्कुल विस्फोट कर दिया इसको कि इट वॉज ओनली ए मिथ क्रिएटेड स्पेशली बाई परवर्टेड ब्रेन ऑफ मैक्स मुलर। भ्रष्टाचार फैलाने वाला था मैक्स मुलर, ये उसके ब्रेन में से निकली एक गलत थ्योरी, मिथ निकली और हम उसके मानने लगे उसको।